माँ बंगलामुखी धाम नजदीक लम्मा पिंड चौक हुशियारपुर रोड पर स्थित गुलमोहर सिटी में धाम के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारद्वाज की अध्यक्षता में साप्ताहिक माँ बंगलामुखी हवन यज्ञ करवाया गया, जिसमें सबसे पहले ब्राह्मणों द्वारा नवग्रह पंचोपचार, षोडशोपचार, गौरी गणेश कुंभ पूजन, माँ बंगलामुखी जी के निमित्त माला जाप कर मुख्य यजमान राकेश प्रभाकर से सपरिवार पूजा अर्चना उपरांत हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई। वहीं इस यज्ञ में उपस्थित माँ भक्तों को आहुतियां डलवाने के बाद नवजीत भारद्वाज ने कहा कि परेशानी और दुख माना की तकलीफ देते हैं, लेकिन ये इंसान को चेतावनी भी देते हैं कि संसार में कोई भी यहाँ स्थायी नहीं है। समय में बदलाव सृष्टि का नियम है, लेकिन अगर कुछ अविनाशी और स्थायी है तो वो है परमात्मा का नाम। नवजीत भारद्वाज ने फरमाया कि आज दुख है तो कल सुख भी आएगा। जिसने सुख और दुख को जान लिया वह इस बात को समझ लेता है कि संभाव में जीना क्या है। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े धनवान भी जब स्थायी नहीं रहे तो हमारी क्या बिसात। वहीं माँ बंगलामुखी धाम के सेवादार श्रीकंठ जज ने बताया कि श्री शनिदेव महाराज जी के निमित्त अलौकिक शनि अमावस्या पर विशेष हवन यज्ञ 14 अक्टूबर दिन शनिवार को मंदिर परिसर में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे विशेष आयोजन पर सभी भक्तों को बढ़ चढ़ कर सम्मिलित होना चाहिए। इस अवसर पर रविंद्र बांसल, राजेश महाजन, समीर कपूर, जसविंदर सिंह, अमरजीत सिंह, केविन शर्मा, गौरी शर्मा, बिल्ला, मनीष कुमार, बाबा खन्ना, संजय, बाबा जोशी, भानु मल्होत्रा, बाबा हलचल, बलदेव राज, विनोद खन्ना, अभिलक्षे चुग, सुनील, रमेश अमन, सुखा, नवदीप, अजीत कुमार, उदय, राजेश, महेश, दिशांत शर्मा, सोनू छाबड़ा, सुनील जग्गी, अशोक शर्मा, सुनील मंगू, अनिल, हरविंदर सिंह, सौरभ मल्होत्रा, प्रिंस राकेश, केहर सिंह, बिनी, नव चीमा, प्रदीप शर्मा, ठाकुर बलदेव सिंह, प्रवीण, रमन शर्मा, प्रदीप, कमलेश, अमित सहित भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं आरती उपरांत प्रसाद रूपी लंगर भंडारे का भी आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। दो जीबियां फ्री जरूर मिलती हैं, इधर मतलब ये नहीं कि उधर खात्मा करना नहीं, कोई अच्छी चीज देखिए और अच्छी चीज पढ़िए। इसके नाल-नाल आज एक जेड़ा मैसेज है वो ये है कि 14 अक्टूबर दिन शनिवार श्री शनिदेव महाराज जी की अमावस्या है। साल एक या दो बार आती है और बड़ा वड्डा अलौकिक हवन यज्ञ होता है जो भी अमावस्या शनि महाराज की आती है। इस बारी सैकेंड टाइम आई है, अदरवाइज कई बार साल सिर्फ एक बार आती है। 14 अक्टूबर शनिवार को उदन पितृपक्ष का आखिरी श्राद्ध अमावस्या का जोड़ा श्राद्ध है वो भी है। शाम को 6:30 बजे तो हवन यज्ञ शुरू होएगा, बाकी प्रभु की इच्छा नाल है 9 बजे 10 बजे 11 बजे ये बारे नहीं कह सकते कुछ। जेड़ा भी भाई बंधु, पहली गल तो खुला सदा है, जेड़ा मर्जी और जिन्हें मर्जी आओ और हवन यज्ञ के शामिल होवो, पर चेतावनी दिंदी है नाल कि हर चीज स्थाई नहीं हैगी। इन्हें रहना नहीं, ना तुपरणी ना छाम दिया, ना रहना तेरा ना बंदिया। सो इसलिए बदलाव का सृष्टि का नियम है, एक बदलाव आते रहते हैं। जिहड़े शाहूकार सी उह गरीब होए हैं, जिहड़े गरीब सी उन्होंने दुआरा चक के शाहूकार कीता है, मालक दे हाथ च है। स्थाई सिर्फ ईश्वर का नाम है, उन्होंने नियम कोई बदलाव नहीं होता क्योंकि उन्होंने हमेशा स्थाई रहना। अज दुख हैगा तो भूल जाओ कि यह दुख ने रह जाना है, सुख आना ही आना है, कारण तुसी परमात्मा दे नाल जुड़े हुए हो। माँ बगलामुखी धाम गुलमोर सिटी जो कि लम्मा पिंड चौंक के नज़दीक स्थित है, माँ के इस भव्य मंदिर के अज जिहड़ा दिव्य हवन यज्ञ हुंदा सप्ताहिक वो संपन्न होया। इस दे नाल नाल मैं दसना चाहना कि 14 अक्टूबर दिन शनिवार को शनि अमावस्या का जिहड़ा पावन दिवस आ रहा, उस दिन जिहड़ा पितृपक्ष की भी अमावस्या है, लास्ट श्राद्ध जिहनूं आपां कहिंदे आ, और उस दिन ही शनिवार आण करके शनि अमावस्या का बहुत वड्डा जिहड़ा आशीर्वाद शनि महाराज का मिलता। साल च कई बार एक बार आता है, अच्छी साल दूजी बार आया। उस दिन एक बहुत भव्य अलौकिक हवन यज्ञ का आयोजन किया जा रहा जिहड़ा कि शाम 6:30 बजे तो चलेगा शनिवार 14 अक्टूबर। साढ़े सारे सेवादारों वालों, मेरे वालों,
करवद प्रार्थना है कि उस हवन यज्ञ च शामिल होवो और पुन्ने दे भागीदार बनो। इस दे विच नाना प्रकार दीआं जड़ियां बूटियां और नाना प्रकार दीआं औषधियां दे नाल हवन यज्ञ संपन्न हुंदा, जिहड़ा कि संपूर्ण रूप दे विच जो सनातन समाज दे विच नाल चलदा उस दे नाल हवन यज्ञ संपन्न होएगा। मैं आप जी नूं करवद प्रार्थना करदा कि आप भी अपने परिवार नाल आओ, हवन यज्ञ दे विच शामिल होवो और प्रभु शनिदेव महाराज जी दा आशीर्वाद प्राप्त करो। जय माँ बगला मुखी जी। माँ बगला मुखी धाम जो कि गुलमोहर सिटी लम्मा पिंड चौंक के कोल स्थित हैगा, उत्थे माँ के भव्य मंदिर के हवन यज्ञ जिहड़ा किया गया हर वीरवार जिहड़ा किया जाता है उस कड़ी के अज वीरवार का हवन किया गया और भगत जिहड़े सारे सवेर तो लैके आए हुए थे और उन्होंने अलग अलग औषधियाँ जड़िया बूटिया के नाल जरा महामारी का हवन यज्ञ किया और नाना प्रकार के भोजन व्यंजन सारे जो इतने। मैं भी दसना चाहना कि असी लगातार इस मंदिर के जदों तो मंदिर बनया हो इस मंदिर से आ रहे हैं और महामारी ने इन्नी अपार कृपा की हैगी है कि जी मैं दस नहीं सकता है और सारे भक्तों को बेनती हैगी है कि वध चढ़ के महामारी के दरबार से आओ और आके आशीर्वाद प्राप्त करो। जिहड़ी चीज़ तुहाडी किस्मत हैगी भाजी भी वार बार यही कहिंदे है वह तो मिलनी मिलनी हैगी है और जिहड़ी चीज़ अपनी किस्मत नहीं हैगी वह महामारी को आपां लै सकदे हैगे आ पर उहदे लई मंदिर आपां नूं आना पैना है। सवेरे उठ के नहा धो के मंदिर आओ और महामारी का आशीर्वाद प्राप्त करो। सारे भगतों को यही बेनती है कि वध चढ़ के हिस्सा लो।